कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। सो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है वो है धन्नों की सफाई, या धन्नों को थोड़ा सही करवाना है यार, क्योंकि धन्नों का बहुत दिनों से काम नहीं हो रहा है, मतलब सफाई वफाई नहीं हो रही इसकी, तो उसके सर्विस करवाते हैं। तो अभी चलते हैं आपका शोरूम में धन्नों की, तो देखते हैं। और कोई बाइक वाइक भी दिखती है तो आपको मैं दिखाता हूँ कि कौन सी बाइक है, और क्या पता बाइक वाइक भी ले लूँ मैं, क्यों नहीं। दोस्तों अब चलता हूँ मैं आपका शोरूम की ओर, और ये रही धन्नो, और ये रहा मेरा हेलमेट। पहले इसकी सर्विस करवाते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। आ गया हूँ एंटोर की सफाई देखने, तो फिलहाल अभी एंटोर यहाँ खड़ी है, देखो कितनी बढ़िया धुली है। तो अभी धुलती है, फिर आपसे बात करते हैं, आप धुलने दो उसे। तो मैंने कम से कम 5 बार देखा होगा। एंटोर की हो गई धुलाई स्टार्ट, फिलहाल तो अभी पहले प्रेशर पे धुल रहा है, ये अपने भाई धो रहे हैं यहाँ पे, अच्छे ढंग से धुल ही रही आज भाई, बहुत दिनों बाद धोता तो मैं भी हूँ, बट लेकिन अच्छे तरीके से नहीं धुलती, जो यहाँ पे प्रेशर वाला धुलता है ना भाई, वो अलग चीज़ है। समझ रहे हो? यहाँ तक आपने देखा है, अभी थोड़ी देर बाद सर्विस होने आएगी, तो उसमें कुछ पार्ट्स भी चेंज कराने थे मुझे, तो स्मार्ट वर्ड चेंज कराने हैं। और उसमें कितना रुपये खर्चा आएगा मैं आपको अभी थोड़ी देर पर दिखा देता हूँ, तो अभी थोड़ी देर बाद उसका बिलिंग आएगी, तो आपको घर में जाकर मैं पूरा दिखा दूँगा, और फिर बाकी कोई डिटेल बता दूँगा क्या क्या होता है। कुछ यहाँ पे सर्विस सेंटर में ऐसा काम चल रहा है बढ़िया तरीके से, अभी जब अपनी विंडो आएगी तब बताएंगे, जब अपनी विंडो आएगी गाड़ी की होगी फाइनल वॉशिंग, इसके बाद जाएगी सर्विस होने। ये भाई लोग काम कर रहे हैं कंटिन्यू, कुछ ज़्यादा ही चमक गई गाड़ी भैया आज, तो मतलब सारे धूल निकल गए भैया आज गाड़ी में से। अंदर बाहर चारों तरफ लगा दी भाई, एकदम ऐसा लग रहा है नई नई स्कूटी। धन्नो आ चुकी है फिलहाल, अब चढ़ रही है ऊपर, अब देखते हैं क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। वहाँ तो जाना अलावा है नहीं वैसे फिलहाल, क्योंकि यार उनके ना कीचड़ वीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, अभी तो फिलहाल लोग हैं नहीं कोई, बट जो भी है तो यहीं से दिखाता हूँ आपको, पूरा क्लियर क्लियर दिख रहा है अपनी गाड़ी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है करके, यहीं से आपको पता चल जाता है। तो मैंने बता दूँगा क्या क्या प्रॉब्लम है स्कूटी में, तो फिलहाल अभी 1-2 घंटा लग जाएगा, तब तक अगर हम वेट और आपके लिए घूमेंगे 5 मिनट या 1 मिनट भी हो सकता है, तो आप यूँ देखते रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों अभी लगभग अभी गाड़ी का सामने वाला हिस्सा ही खुला हुआ है, बिल्कुल खाली एकदम सामने का हिस्सा, फिर टाइम लगेगा, मतलब मुझे लगता है ज़्यादा 1.5 घंटा लग जाएगा, और पूरी गाड़ी खुलनी है, फिर जाके असम्बल लगनी है, पता नहीं क्या क्या ख़राब हो रहा है उस बार, पता भी नहीं ऐसी चलाया जा रहा हूँ। तो मेरी स्कूटी पूरी यहाँ से खुल चुकी है, देखो क्या हाल हो गया सामने का पूरा, मतलब धन्नो आज पूरी चेंज ही हो गई है, तो उसके अंदर भी क्या होगा काम चल रहा है अभी कुछ है, तो उसमें वाला पार्ट चेंज होगा और एक साइड वाला पार्ट चेंज होगा, थोड़ा बहुत। पापा गए हैं देखने वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, कि पापा सब चेक करने गए हैं। हाँ पापा पता नहीं क्या कह रहे हैं उस बंदे से कि काम हुआ है नहीं हुआ है करके, पापा का इन्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है चीज़ की पूरी, मतलब अभी तक ऊपर का खुला, अब नीचे का पूरा सब कुछ खुल गया है, तो ये भाई कर रहा है मेरा काम स्कूटी का, और चूहे ने इसमें कर दिया कमाल भाई, चूहे ने कमाल कर दिया मेरी स्कूटी में इस बार। फाइनली मेरा स्कूटी का काम हो गया है, अभी नए पार्ट्स लग जाएंगे, फिर थोड़ी बहुत चेकिंग वेकिंग करानी है, फिर थोड़ा ना चला के देखें कैसे चल रही है, तो टीवीएस वालों ने काफ़ी अच्छा काम कर दिया। तो अभी यार मेरा ना ये हिस्सा टूट गया था पूरा इस तरफ से, मतलब ये इसका पूरा इधर का जो हिस्सा होता ना इधर, ये पूरा ही टूट गया, ये लगेगा नया फिलहाल, और एक सामने वाला हिस्सा भी इस तरफ से, तो इसमें भी ये काम चल ही रहा है, ये आज की तो पूरी नहीं हो गई है। ये देखो पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से काम हो चुका है, बस लास्ट के 10-15 मिनट और बचे हुए हैं, यही रह गया है फिलहाल, तो जब ये पूरी तैयार हो जाती है तब आपको दिखाता हूँ कैसे लगती है आज धन्नो। मेरी गाड़ी हो गई सर्विस, थोड़ा अभी मतलब पॉलिश वॉलिश रह गई है, पापा भी बहुत देर से वेट कर रहे हैं यार, अभी 2:30 बज गए हैं, 10 बजे का आया हुआ था और बज गए हैं आपके पूरे 2:30, तो अभी थोड़ी सी देख लेते हैं कोई बाइक वाइक का भी प्लान कर रहे हैं फिलहाल, तो
बाइक वाइक भी देख लेते हैं कौन सी बाइक है टीवीएस में। जहाँ तक मैं सर रॉनिन या 3110 देखता हूँ, अगर है तो शोरूम में अवेलेबल देख भी लेता हूँ अभी, तब तक गाड़ी सर्विस हो रही है तब तक देखते हैं। दोस्तों मैं आया था गन्ने का जूस पीने और गन्ने का जूस पी लिया है अपने इंडियन जूस जो है, और स्कूटी सर्विस हो चुकी है। तो फिलहाल मैं अपने घर में पहुँच गया हूँ, करता हूँ थोड़ा बहुत रेस्ट और खाना वाना खाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको पूरी बताता हूँ कितना कितना मेरा बिल आया। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ यार, मैं मतलब सो के उठ रहा हूँ और अभी 6 बजने आ रहे हैं, तो आज का जो मेरा खर्चा हुआ है लगभग 3 से 4, 4.5 हज़ार मान लो बस यार। मतलब 10:30 बजे गया था और 3 बजे आ रहा हूँ भाई, तो 3 बजे वहाँ से निकला हूँ। और आप लोगों के लिए इस ब्लॉग में एक छोटा सा सरप्राइज़ भी है, और जो मेरा पिछला ब्लॉग हुआ था लेट यार, वो आपका शाम को 5, 5:30 बजे अभी अपलोड कर रहा हूँ मैं, मतलब पहले अपलोड तो पहले हो चुका है पर अपलोड अभी मैं कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, बच्चे मन गए बच्चे, तो आप भी देखते रहे दी माउंटेन मॉन्क चैनल, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्दी आएगा।